इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने अब बता दिया है कि कब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, कब राजस्थान में मतदान होगा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कब वोटिंग कराई जाएगी और कब मिजोरम के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये सब अब साफ हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में और बाकी के 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में 1 चरण में वोटिंग होगी। सबसे पहले वोटिंग मिजोरम की सभी 40 सीटों पर 7 नवम्बर को होगी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों पर और दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 सीटों पर वोटिंग होगी। 17 नवंबर को ही मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इसके बाद राजस्थान की सभी 200 सीटों पर 23 नवंबर को वोटिंग होगी और सबसे आखिर में तेलंगाना की 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी राज्यों में काउंटिंग 3 नवंबर को कराई जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इन राज्यों में कुल 16 करोड़ 14 लाख वोटर्स हैं। इनमें से 8 करोड़ 20 लाख पुरुष, 7 करोड़ 8 लाख महिला वोटर्स हैं और इस बार 60 लाख 20 हजार नए वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। इनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। अगर राज्यवार देखें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख, राजस्थान में 5 करोड़ 25 लाख, तेलंगाना में 3 करोड़ 17 लाख, छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 3 लाख वोटर्स हैं, जबकि मिजोरम में 8 लाख 52 हजार वोटर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है और 3 दिसंबर को काउंटिंग, यानी 27 दिन में पहले चरण की वोटिंग से काउंटिंग तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कांग्रेस मुख्यालय में आज कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया समेत हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हुए। बैठक को लेकर आज कांग्रेस ने मीडिया से भी बात की। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जाति आधारित गणना को लागू करने को लेकर बीजेपी पर दबाव बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। अब जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। एक दो पार्टी हो सकती हैं जो जिनकी राय थोड़ी अलग हो, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है। मगर ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से। CWC की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस शासित राज्यों में जातिगत जनगणना जरूर कराएगी। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि वो इसे पूरे देश में कराएंगे, जिससे समाज के सभी वर्गों का विकास हो सके। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे 4 में से 3 मुख्यमंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC से आते हैं, वहीं बीजेपी के 10 में से सिर्फ 1 ही CM OBC समाज से हैं। उन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी OBC के लिए काम नहीं करते, बल्कि ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फिर से आ रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार जा रही है और तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार आ रही है, जबकि KCR जा रहे हैं। राहुल के इन तेवरों से साफ है कि इस बार के चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाले हैं, उन्हें एक मजबूत कांग्रेस का सामना करना। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद अब BSP चीफ मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। मायावती ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए चुनावी ताल ठोक दी है। BSP सुप्रीमो ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, BSP मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चुनावी समझौता करने के अलावा मिजोरम छोड़कर राजस्थान व तेलंगाना में इन दोनों राज्यों में अकेले बिना किसी से कोई समझौता किए हुए चुनाव लड़ रही है और इन राज्यों में अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करती है। MP और छत्तीसगढ़ में BSP पहले ही GGP के साथ गठबंधन कर चुकी थी और सीट शेयरिंग भी हो चुकी है। दरअसल यूपी से सटे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हिस्से में BSP को पहले भी अच्छी सफलता मिलती रही है और इस बार उसने GGP के साथ गठबंधन किया है। अगर ये गठबंधन कमाल करता है तो कांग्रेस और BJP के समीकरण भी बदल सकते हैं। इस बीच मायावती ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वो चुनावों में सरकारी मशीनरी और धनबल के दुरुपयोग को रोककर चुनाव को पूरी तरह से स्वतंत्र व निष्पक्ष कराए। निष्पक्ष चुनाव से ही लोकतंत्र जीवित रह पाएगा। मायावती के बयान से साफ हो गया है कि वो सभी राज्यों में BSP के उम्मीदवार उतारेंगी। अब देखना होगा कि BSP चीफ की रणनीति से किसे नुकसान होता है और BSP को कितनी सफलता मिलती है।